सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, हम खा रहे कच्ची मच्छी। स्वागत करो अपने वीडियो में सबका। स्वागत है आप सभी लोग का। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो देखे हमारी मच्छी, ये देखो मेरे भाई आज फिर से मच्छी लेके आया। और आज ज्यादा नहीं लाया, करंट वाली मच्छी है। आज थोड़ी लेके आया लेकिन बहुत है ये भी। ये देखो ये वही है ना, चिलापी। और ये साफ भी करते बैठा। और इसने दो बार मेरे को चार दिखी फोटो में। अच्छा बात के लिए क्या? हाँ। तो ये लाया दो बाम, बड़ी है माशाल्लाह। हम भी इधर कश्मीर में जिंदी है ये वाली। ठीक है, ये भी जिंदी है, ये भी जिंदी। छिले बाद भी जिंदी छे। हाँ। मम्मा दिखाओ इसको, दिखाओ इसको, दिखाओ। हाँ? सास खुल रही। अब वो काटा चुपा इसका। सास खुल रही मम्मा, उसकी देखो ना। देखिए ना, बड़े बड़े लाया माशाल्लाह। अच्छे से अच्छा करा, छोटे छोटे नहीं लाया, बड़े लाया। अक्खी तल लेके शायद इसको अक्खी। सुन ना, ये लाया के दो पकड़ के इतल के खाया था कि नहीं उस दिन? अक्खी गोगली, ये गोगली है बोलते गाइस। गोगली मोगली है, गोगली ये कटरना है। कटरना तो आज अब्बा के बदले में आज ये साफ कर रहा। आज ज्यादा नहीं लाया, ज्यादा लाया होता तो क्या बोलते मैंने बताई होती। पर इतिश लाया आज, दी भी होती मैंने, पर ज्यादा नहीं लाया। उस दिन बहुत सारी थी माशाल्लाह। उस दिन तो थैला भर के लेके आया था, पूरी जमा के रख रहा था एक साथ में। चलो क्या बोलते, मैंने आज सुबह से कुछ भी ज्यादा व्लॉग नहीं बनाई। और आज एकदम चांदनी रात है। ऊपर आसमान में देखो कैसे दिख रहा है, आसमान देखो कैसे दिख रहा है। आज चांदनी रात है और रात का टाइम है ये। मतलब कितने बजे रहेंगे रात के शहबाज अभी? सात। हाँ सात बजे नहीं आएगा मम्मा ऐसा? मम्मी सच्ची में ये वो है क्या? सांप? नहीं माँ, नहीं बाम अच्छी है माँ। पूरे कर भी दिया पाँच छः। क्या हुआ? डर के भागी फड़फड़ाई तो। मम्मी कैसे फड़फड़ाई ना? देखो देखो मम्मा, देखो जिंदा है। ये दोनों जिंदा है। अल्ली दिख रही है, अल्ली। अल्ली कैसे रहती है? ये दोनों मम्मा जिंदा है। क्या बात कर रहा, कैसा मालूम पड़ा तुझे? तो क्या करने फिर? एक बकेट भर के पानी ला। तंजीरा देखो जिंदा है दोनों। ये देखो अभी भी फड़फड़ा रहे ये लोग, कैसा कर रहे हैं। ये अब्बा भी आ गए। अब्बा कहाँ पर है? मुंडा जिंदा है, बारिक नहीं बोलते। जो है अब्बा ही कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे भाई से नहीं हो पा रहा था, है ना शहबाज? जिसका बंदर उसी को ना चाहे। हाँ, उसी को नहीं, वही ना चाहे। लाना इसकी जिम्मेदारी है, लाता ये परफेक्ट तरीके से पकड़ के। लेकिन उसकी साफ सफाई करना और उसको बराबर कटिंग करना ये अब्बा बराबर करते। तो अब्बा अपनी जिम्मेदारी उठा लिया, शहबाज ने अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया दूसरी वाली। तो अभी कट करेंगे फटाफट। अब्बा देखो फटाफट कर भी रहे। शहबाज बैठा था बहुत देर से, उसको टाइम लगा क्योंकि आदत नहीं है ना उसको, उस खाली पकड़ के लेके आने की। अभी वैसे भी थक भी गया वो सुबह से पकड़ने में, लाने में, फिर साफ करने का। बोले तो मम्मी समंदर में से पकड़ती क्या? तालाब में से। हाँ, नहीं नहीं तालाब में से पकड़ के लेके। मच्छी तो वो जो मच्छी ऊपर कटिंग हो रही थी गाइस, तो मम्मी ने बना दिया उसका सालन। ये देख सकते हैं, माशाल्लाह। तो मम्मी ने सालन बना दिया और मैं बैठे वाली थी उधर, तो उसकी वजह से मेरे को मालूम ही नहीं कब बनाए। रेसिपी बताने की थी आप लोगों को, कोई बात नहीं। और है ना मम्मी की पूरी बनाए? बाम है और? नहीं बाम नहीं, चिलापी। चिलापी का तो सालन नहीं बनाते मम्मी अपन।
चलो किसी और दिन कोई और दिन दे देंगे आप लोगों को मच्छी के सालन की रेसिपी। अभी हम लोग एक इंस्टा की रील बना रहे, ठीक है? क्या बोलता भाई? कुछ नहीं। इन अम्मी है सुनो ना, वो कतर रहा था मगर उसको जमरिश नहीं थी, फिर बाद में अब बनेज कतर गए। नहीं तो वो चिकनी भी रहती ना, अब्बा फिसल रही थी ना हाथ में से, वो लेके आओ एक काटने वाला, नहीं है जैसा वो बच्चे वाले लोग के पास रहता। सुनना शेबाज आपने तल ली थी ना वो वाली लंबी, सालन में डाल दिया। कौन सी गोगली खाया ना? गोगली कहाँ खाया? खाया ना गोगली का लिया मैंने उसमें। सिर्फ बताए आप खाना खाने का दस मिनट बैठी गाने मस्ती चालू ही रखी। जैसा हम कह रहे के खाए केला वैसे हम चले मेला स्कूल चले हम। अलवा गिर जाएंगे तेरे पेट दुखेगा माँ। मजा आ रही है। ये देखो कैसे मस्ती चालू है लोग की। अरे किचन में क्या कर रही तू? किचन में क्या बोला भाई? में कुछ तो देख रही थी। क्या बोलते ब्रदर, दाढ़ी मुझ कुछ कटाया क्या? अच्छा लग रहा है। तू ये तो वादा करके ब्लॉग बनाएगा? ब्लॉग बनाऊंगा तो कम्प्लीट होने दो, फिर व्यूज भी नहीं आ रहे उसके। तो बनाएंगे तो आएंगे ना साहब। बीट का जूस होगा हमारा, रख दो अंदर। उसका जूस बना के रखिए क्या? जूस बना के रखे अच्छा बीट का। तो गाइस अभी पक रहा है, अभी मतलब लो पे है। यहाँ पर जवारी की रोटी है, बहुत सारी दाली वाली, इसमें घी की रोटी है, अभी खुली रखे इसी मतलब बना के गर्म है बोल के। इसमें यहाँ पर गोश्त निकाल के रखे फ्रिज में रखने के लिए, और ये है बड़े के गोश्त का सालन जो अभी बनाया मैंने, मतलब पूरा गोश्त का तरीदार एकदम। मेरे को ना हिलाऊंगी इसको तो क्या बोलते गिर जाएगा। और बहुत लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं, मतलब सब लोग यही बोलते हैं, आप लोगों का बोलना सही भी है कि दूध आप हमेशा खुला क्यों रखते हो, बट अम्मी जो है दूध पे ढापने नहीं देते, क्योंकि दूध पे जो है अम्मी बोलते हैं कि मलाई आती बहुत गाढ़ी, अगर दूध पे ढापेंगे तो मलाई नहीं आती बराबर, तो इसके लिए अम्मी नहीं ढापने देते दूध पे, तो इसके लिए दूध खुला रखते। लेकिन 24 घंटे हम लोग किचन में रहते ही है, रात में नहीं रखते खुला, रात में फ्रिज में रख देते दूध को, मगर दिन के टाइम में रखते हैं खुला, क्योंकि दिन भर रहते ही है किचन में, कोई ना कोई रहता ही है तो ध्यान देते हैं। और मलाई जब मलाई जमती ना ऊपर तो समझ में आता कि अगर उसमें कुछ गिरा है तो समझ में आ जाता है। क्या बोलता ब्रदर, लेट गया देखो इधर। चैनल को सब्सक्राइब करो, जब जब ये दिखेगा ना तो वही याद करने का, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी अम्मी को बोली मैंने एक इंस्टा का रील बनाने की थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, चलो जाके देखती हूँ किधर गए। अब मेरी तबीयत इतनी खराब है बोल के मैं थोड़ी सी, आप लोगों का ऐसा लग रहा है ये देखो देखो मस्ती। माँ तालीना उठ जाओ नीचे मत लेटो, उठो अम्मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे, आप सब लोगों की दुआओं से। तो यहाँ पर मेरी भाभी बैठी है, इसका नाम शाहीन है। आप लोग पूछ रहे थे ना क्या नाम है, भाई भाई क्यों बोलते हो, तो भाई ऐसे प्यार से बोलते हैं, उसका नाम शाइन है ना भाई, शाइन सॉरी। अब आज के बाद मैं ब्लॉग में शाइन नहीं बोलूँगी, ठीक है? भाई नहीं बोलूँगी मैं, भाई बोलूँगी ना जहाँ पे वहाँ पे रोक देना मुझे, ठीक है? तो शाइन ने रोक दिया आटा, और यहाँ पर भाई क्या दिखाते हैं उसने, यहाँ पर इसमें कुछ रखी क्या गर्म करने, रात के चावल है, ये मेरे अंडे बॉयल हो रहे हैं, और यहाँ पर सालन गर्म हो रहा है, रात का मच्छी का फिश का जो सालन था वो गर्म हो रहा है। और क्या बोलते हैं अभी मैं बनाऊंगी अपनी ग्रीन टी, ग्रीन टी पीऊँगी। मेरे जो गले में दर्द हो रहा है वो कम ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है वो, अभी उसके लिए पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। दवाई खाई, डॉक्टर से दवाई ली, मेडिकल से दवाई लेके आ रहे मगर कम नहीं हो रहा है ना भाई। शाइन सॉरी, मेरी ग्रीन टी रेडी है, वहाँ पर देखो मेरे भाई सो रहा है मोहसिन, और परी को लेके आई हूँ मैंने आज, है ना परी? मैं इधर बैठी हूँ, क्या बोलते हैं अब्बा मेरे उधर पानी मार रहे झाड़ को, अब्बा ऊपर लेके आए सब झाड़, वो भी रख दो ना ऊपर लाके फिर और नीचे के। चलो मैं थोड़ा सा ग्रीन टी पीती हूँ, मेरे को टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा, एक तरह से मुझे ना अच्छा भी लग रहा कि मेरे को ना इसका टेस्ट नहीं आ रहा, क्यों मालूम क्या, इसका टेस्ट बहुत गंदा है ग्रीन टी का, तो मैं पीती हूँ ना तो मेरे को पी नहीं जाती, पर अभी सर्दी की वजह से मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या जा रहा, वैसे ऐसा लग रहा गर्म पानी में पी रही हूँ सिप कर करके, तो वैसे ही लग रहा है। लेकिन फिर भी दूसरी चीज़ों को भी टेस्ट नहीं आ रहा मुझे, ऐसा है सर्दी की वजह से। मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी लेकिन बना रही हूँ, क्योंकि देखो काम है, और अभी क्या बैठे रहती हूँ खाली,
तो बोर भी हो जाती हूँ ऐसे आप लोगों से बातें चीतें करने में, मैं बिजी रहती हूँ थोड़ा, तो थोड़ा सा टेंशन भी कम रहता है और थोड़ा सा तबीयत में भी ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है कि तबीयत खराब है, तो ऐसे रहता है। तो देखेंगे जो भी हमारा रूटीन का ब्लॉग बनेगा वो आप लोगों को शेयर करूँगी पूरा दिन। तो चलिए थोड़ा सा ग्रीन टी इन्जॉय करती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, है ना परी? क्या बनना चाहते हैं? जान दो, अपन तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है बोलते ना, तुमने क्या बोले तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है तो अपन तुमको बॉक्सर बनाएंगे। क्यों? और बहुत ताकत रहेगी मेरे अंदर तो फिर पुलिस में बहुत भाग सकती हूँ और उसको बहुत बना सकती हूँ, हाथ से भी डंडा नहीं मिलेगा तो। हाँ, पर बॉक्सर में अच्छा है ना, ऐसा फाइट मारेंगे तुम बॉक्सिंग करने के टाइम पे। क्यों? मेरे को बहुत अच्छा लगता। फिर क्या अच्छा लगता? पुलिस अच्छा। अच्छा ठीक है, तुम पुलिस बनने का है तो क्या करना पड़ेगा तुमको उसके लिए? चोर को पकड़ना पड़ेगा, जेल में डालना पड़ेगा। चोर को पकड़ के सिर्फ जेल में डालने का इतना काम है ना? फिर बहुत सारे चोर को पकड़ना और कंप्लेंट भी आएंगे और लोगों को मारना। हाँ अच्छा ठीक है, वो सब भी ठीक है। कभी कभी उन लोग को भाग के पकड़ना। हाँ अच्छा सुनो ना, अभी तुम चोर को मतलब पकड़ेंगे, डालेंगे जेल में, फिर तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुमको? पैसा मिलेगा। हाँ अभी तो तुम भी छोटे चोर है। मैं अब तुमको पकड़ के जेल में डालू बोलो ना। तो अभी मैंने इसको नहलाई, फ्रेश हो गई है क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी, नहा ही नहीं रही थी, आई तब से इसको असर दिए, बुखार आई थी, फिर मैंने इसको दो दिन नहीं नहलाई, फिर इसके बाद उसको वापस से देखो तब से सुर देखो कैसे कर दिए, सर्दी तीनों को, फिर भी मैं बोली अभी इसको नहला दी, उसको मत बता रहे बहुत गंदी है अभी वो। तो अभी इसको नहलाती हूँ दोनों को नहलाती हूँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। तो चलो गाइस, आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। Thank you.